नमस्कार, आप सबको मैं न्यूज क्लिक में स्वागत कर रहा हूं। मैं परंजॉय गुहा ठाकुरता हूं। आज का चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। आप सब लोग जानते हैं भारतवर्ष के सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। भारतवर्ष में हर 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति रहते हैं उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता है, सिर्फ और 5 देशों का पूरा विश्व में जहां का लोकसंख्या उत्तर प्रदेश से ज्यादा होगा, चीन, भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश निकाल दीजिए, फिर भी उसके बाद आएगा इंडोनेशिया, अमेरिका और ब्राजील। मगर उत्तर प्रदेश का राजनीति कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। एक कहावत था कि दिल्ली जाने के लिए रास्ता लखनऊ से शुरू होता है, और आने वाले विधानसभा चुनाव है 2022 फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव का बारे में भविष्यवाणी करना भी बहुत कठिन काम है, खतरनाक काम है। और किस तरह से उत्तर प्रदेश का राजनीति में परिवर्तन आया या नहीं आया, इस विषय के ऊपर आज मेरा साथ मैं स्वागत कर रहा हूं राधिका रामसेशन जी। वरिष्ठ पत्रकार, बिजनेस स्टैंडर्ड में कंसल्टिंग एडिटर है, वो संपादक है, सलाहकार है, बहुत सारे जगह में इन्होंने काम किया, टेलीग्राफ में, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में इनका लेख छपता है, और आज भी बहुत सारे जगह में लिखते हैं जैसे ट्रिब्यून में। तो राधिका जी, धन्यवाद आपका समय, आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया। तो मैं आपका लेख पढ़ रहा था ट्रिब्यून में, और आप इस लेख में पिछले एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने किया कि कुछ साल तक यूपी हम कहते हैं एक राज्य नहीं है, अलग अलग राज्य, कोई कुछ लोग कहते हैं 4 राज्य, कोई 5 राज्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध, तो अलग अलग क्षेत्र का राजनीति, इनका भूगोल, इनका राजनीति अलग अलग होता है। मगर आप कह रहे कि उत्तर प्रदेश जब चुनाव में जाते हैं, जब विधानसभा चुनाव में जाते हैं, एक राज्य बन जाते हैं। इस बार की ये होने का एक संभावना है, क्योंकि जो परिवर्तन आए हैं उत्तर प्रदेश का राजनीति में, इसके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कृषक का आंदोलन के क्या प्रभाव पड़ा, इस विषय से आप शुरू कीजिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, यूपी जो है एक प्रदेश के तौर पे वोट करती है। हाँ, ये बहुत विचित्र ट्रेट है उत्तर प्रदेश का, विचित्र कैरेक्टर है कि आप बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में के बीच में कुछ भी कॉमन में नहीं है। एक बुंदेलखंड है बेचारा, जो हमेशा ड्राउट से जूझा हुआ है, वहाँ पे सिंचाई की बहुत सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे कृषि बिल्कुल अपना कृषि कर करके परेशान हो जाते हैं। अब आप आइए ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी भी बटा हुआ है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अलग का रूप अलग है, कुछ का रूप दूसरी तरह का है, और पश्चिमी यूपी माना जाता है कि सबसे संपन्न, सबसे प्रॉस्परस एरिया है उत्तर प्रदेश का। एक तो दिल्ली से सटा हुआ है, और दूसरी बात है कि जो चौधरी चरण सिंह ने जितने लैंड रिफॉर्म्स किए, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किए, उसके मैक्सिमम बेनिफिशरीज जो रहे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहे हैं, तो उसका चित्र काफी बदल गया है पश्चिमी यूपी का, सोशली, डेमोग्राफिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिक, आर्थिक तौर पे, सब कुछ, सभी पैरामीटर्स पे काफी बदला हुआ है। लेकिन जब चुनाव आता है तो हाल ही में आप देख रहे हैं 2014 से एक जो पोलराइजेशन आ गया है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, वो शुरू होता है यहाँ से, गाजियाबाद से, हापुड़ से लेके एकदम नीचे आपको रॉबर्ट्सगंज तक पूरा बटा हुआ है,
दो समुदायों के बीच में, इक्का दुक्का कंस्टिट्यूएंसीज होगा जहां लोग अपने आप को न हिंदू समझते हैं न मुस्लिम समझते हैं, अपने कैंडिडेट को वोट करते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम होते जा रहे हैं। तो हाँ, लेकिन ये है, इस बार ये फर्क है कि अभी तक जो बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश जो अवध वाला रीजन है, वहां से हमें कोई साफ सिग्नल नहीं मिल रहा है कि किस दृष्टिकोण में किस दिशा में जा रही है राजनीति। जितना भी राजनीति में चर्न हो रहा है वो सारे आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है ये कृषि आंदोलन। तो मैंने उत्तर प्रदेश का अलग अलग हिस्सा के बारे में आपका अलग अलग सवाल हम आपसे करेंगे, मगर इस वक्त जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं ये जाट लोग के एक इलाका है, मगर आपका लेख में भी और बहुत सारे विश्लेषक ने कहा इस इलाका में अगर आपका इसका लोक संख्या देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे, तो यहाँ का दलित वर्ग के लोग और ओबीसी जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनके लोक संख्या बहुत है। और जो आज फर्क है कि एक समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो समाजवादी लोग के थे, मगर 89 के बाद हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकदम इनका एक तरह से घर बन गया, और 93 में बाबरी मस्जिद के बाद, बाबरी मस्जिद का ध्वंस के बाद आपने देखा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से में बहुत अच्छा काम किया, मगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गए थे मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं। और 2013 का मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुई थी, एक तरह से हिंदू मुसलमान का जो विभाजन है ये हो गया, मगर आज 7.5 साल के बाद माहौल बदल गया। कैसे बदल गया? राकेश त्रिकांत बार बार, एक बार नहीं, भारतीय किसान यूनियन का नेता बार बार कह रहे कि गलती हुई, मुसलमान लोग से माफी मांगा, क्योंकि जाट कृषक और मुसलमान कृषक के भीतर जो बिरादरी था वो जो टूट गया, बोला ये गलती दोबारा नहीं होगा। उन्होंने कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने। दूसरी बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देखा कि अजीत सिंह जी का, उन्होंने देहांत हो गए, उनका अभी बेटा जयंत चौधरी एक तरह से अभी पूरा राष्ट्रीय लोक दल में उन्हीं का नेतृत्व में कोई किसी ने सवाल नहीं उठा रहे, और चौधरी चरण सिंह जी का जो 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 एक लेगेसी है, जो जो एक परंपरा है वहां का, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो मेरा लंबा चौड़ा आपको सवाल, मैंने लंबा चौड़ा बात किया, मगर बात है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जो माहौल है बदल गया, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव के ऊपर? जी जी, आपने जो जो परिवर्तन आए हैं मूल रूप से उन सबका तो विश्लेषण किया है, लेकिन पश्चिमी यूपी का जहां तक सवाल है, वो कई सालों तक, कई सालों तक चौधरी चरण सिंह के से बहुत प्रभावित हुआ, उनके पॉलिटिक्स से। जब भाजपा आई, उसके जनसंघ बहुत प्रभावित नहीं रहा, जरूर उनके शहरों में, और वो खासकर इसलिए कि जो पंजाबी डोमिनेशन है और जो खत्री डोमिनेशन है, जो पंजाब समुदाय के लोग पार्टीशन के पश्चात यहाँ आए और बस गए और अपना बिजनेस स्थापित किया, उनका जरूर इन्फ्लुएंस था, लेकिन वो शहरी इलाकों में था, ग्रामीण इलाकों में चौधरी चरण सिंह जी का ही इन्फ्लुएंस था। ये मुझे लगता है 89 से काफी बदलाव आ चुका है, तब अपना भी बीजेपी भाजपा अपना पैर जमाने लगी है, और अब अभी तक काफी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाई, क्योंकि जहां जहां भाजपा ने अच्छा नहीं किया चुनाव में, और अन्य चुनाव है, 15 साल तो बीजेपी पावर में ही नहीं थी उत्तर प्रदेश में, यह हमें भूलना नहीं चाहिए, कभी किसी भी वक्त हमें भूलना नहीं चाहिए कि 15 साल तक बीजेपी पावर में नहीं थी उत्तर प्रदेश में,
तो उस समय जो है जो सीटें आती थी अधिकतर वो सीटें उनकी पश्चिमी यूपी से ही आती थी। तो ये जो जाट समुदाय है वो धीरे 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 भाजपा की ओर भटकने लगा। अजीत सिंह जी चौधरी चरण सिंह के जो पुत्र थे उनकी जो इन्फ्लुएंस थी जो पकड़ थी वो कम होते होते नजर आई। और ये जहां आपने राकेश टिकैत का जरूर जिक्र किया, जहां तक बीके यू का सवाल था, राकेश टिकैत बीके यू एक राजनीतिक पार्टी तो बनी नहीं कभी, लेकिन राकेश टिकैत जो है वो कभी कांग्रेस से लड़े, एक बार राष्ट्रीय लोकदल से भी लड़े, और पिछले चुनाव में 2019 में उन्होंने खुल के ऐलान किया कि हमने भाजपा का समर्थन किया है। लेकिन इस बार क्योंकि किसान आंदोलन इतना छाया रहा हरियाणा पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि एक तरह से इनकी मजबूरी हो गई है कि वो आंदोलन को सपोर्ट करना ही पड़ा। ये कंपल्शन नहीं थी था तो मुझे मैं कह नहीं पाऊंगी कि राकेश टिकैत किस और किसको समर्थन देते हैं। वो एक और तो वो सामने आ गए ये किसान आंदोलन के बाद, और दूसरी ओर जो जयंत चौधरी जी जो अपने पिताजी के परछाइयों में ही पाले अपनी पूरी राजनीति करने लगे, वो अपने एक लीडर के रूप में उभर के आ गए। मैं काफी आश्चर्य लग रहा है मुझे इनकी ये डेवलपमेंट को ट्रेस करते हुए। जयंत चौधरी की उन्होंने टिकैत जी को लीडरशिप कुछ हद तक संभालने को का मौका दे दिया जब टिकैत जी ने वो गाजीपुर बॉर्डर पे अपना बहुत इमोशनल स्पीच दिया और उसमें रोने भी लगे। उस वक्त इन्होंने थोड़ा एक बैकस्टेज अपने आप को कर किया जयंत चौधरी, और नेतृत्व जो है इनके हाथों में दिया। लेकिन ये जो है ये बहुत पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, आज भी मैं कह रही हूँ दावे से, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत। हमें देखना पड़ेगा कि अंत में वो क्या करते हैं। तो अभी भी आने वाले 3-4 महीने में क्या होगा नहीं होगा, मगर एक चीज साफ है, ये जो कानून जो ये हमारे किसान बंधु कह रहे हैं कि ये है काले कानून, इसको आप पहले रद्द कीजिए उसके बाद बातचीत। और आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट क्या क्या था, सबसे उच्च न्यायालय आप देखा है कि जब गन्ने का कीमत बढ़ा 25 रुपया क्विंटल, यू नो नाखुश है, बिल्कुल नाखुश है। और सिर्फ ये नहीं, ये जो एक और समुदाय है जिसका नाम मैं कृषक आंदोलन, एक और विषय के ऊपर आपको ले जाना चाह रहा हूं जिसके बारे में आप ही लिखे हैं कि जो एक समुदाय है जो ओबीसीज के अंदर आते हैं, जो जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और ये है आपका गुर्जर समुदाय के लोग, और उन्होंने दुखी है क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो 19वीं सदी का राजा था, मिहिर भोज जी का जो 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 मूर्ति का उद्घाटन किया उसमें इनका उनका कुल नाम जो गुर्जर का नाम नहीं था, और ये लोग गुर्जर लोगों बहुत दुखी है महापंचायत। इसका मतलब क्या है, जो समुदाय के लोग एक समय 4.5 साल पहले 2015 में जो भारतीय जनता पार्टी की वोट दिया, इस बार देंगे कि नहीं, यही मेरा सवाल है। क्योंकि ये पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है जहां पे आप अगर इसमें रोहिलखंड और ब्रजभूमि भी डाल दीजिए तो लगभग 404 जो विधानसभा आसन है इसमें 125-130 इसी इलाका में आ जाता है। तो इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, और इस इलाका में भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से उसकी बैस्टियर उसका गर्व था। तो यही दोबारा घूम फिर के वही 2-3 और नया सवाल आपको डाल जी। मैं जो आपका जो आपने जो गुजरों का जिक्र किया है उसमें वहां जाने के पहले मैं थोड़ा सा भूमिका दे दूंगी ओबीसीज का। आप गौर करिए मोदी जी की अगस्त 15 वाला भाषण में, वो भाषण में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात किया है जब उन्होंने छोटे किसानों पे बहुत एम्फोसिस दिया है, बहुत स्ट्रेस किया है, छोटे किसान जो है उन्हें इज्जत हम देंगे, हम वो करेंगे। उनके भाषण में काफी लंबी चौड़ी जिक्र हुई है छोटे किसानों पे। ये क्यों, ये मैं देखती हूँ ये जाट आंदोलन के परिपेक्ष में,
छोटे किसान जो है वो बहुत बड़ी समुदाय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या, सारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी समुदाय है, और उनके बीच में और जाटों के बीच में तनाव रहा है हमेशा, क्योंकि छोटे किसान जो है उनके अंदर यही भावना है कि जो बेनिफिट्स जाटों ने पाया है वो हमने नहीं पाया है, हमें वो पूरा जो रेस है उसमें पीछे छूट गए हैं जाटों के पीछे। तो इसीलिए ये छोटे किसान का जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, उनका महत्व है भाजपा के लिए, और नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है ना। अब आई बात गुजरों की। गुजर जो है वो ना केवल दुखी है, वो बहुत वो क्या कहते हैं, वो गुस्से में है। एक तरह से उनका इंसल्ट हुआ है जब राजा उनके राजा जो भोज है उनका इस तरह नाम हटाया गया है, और उन्होंने वो कह रहे हैं कि एक साजिश है कि हमें राजपूतों के बीच में शामिल किया जाए, ओबीसी कैटेगरी से हटा के हमें राजपूतों के साथ कोऑप्ट करें। और उनके आर्ग्यूमेंट में इसलिए थोड़ा बहुत वो नजर आता है कि योगी जी जो है वो खुद राजपूत हैं, और एक एक्यूजेशन ये है उनके बारे में, योगी जी के बारे में, कि वो राजपूतों की बहुत वो राजपूत जो अभी विरोधी दल में है वो कह रहे हैं योगी जी के बाद ठाकुरवाद आ गया। मगर मेरा कहना है, देखिए हम लोग दिल्ली में बैठ के ही एक जात का विश्लेषण करते हैं और विकास का विश्लेषण करते हैं, मगर ये दो अगर 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 आप दो एक विषय या दो मुद्दा आप लेंगे कि दोनों का तो महत्वपूर्ण है, तो मैं दोनों की बात कहना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं 2017 में, फिर उससे पहले 2000, उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में एक तरह से लोग कहते थे कि सारे ओबीसी सपा के साथ जाए, मगर हमने देखा नहीं, हाँ यादव समुदाय के लोग इसका एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी का समर्थक है, अखिलेश जी को समर्थन करते हैं, मगर साथ साथ हमने देखा कि गुर्जर लोग, कुर्मी लोग, उसके एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हमने देखा दलित जो जाटव नहीं है उन लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं थे। तो इसका मतलब ये इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब सवाल है कि ये जो जात एक है, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हम कहते हैं अंग्रेजी में, और साथ साथ जो विकास का बात है, बहुत लोग कह रहे हैं कि हाँ मोदी जी योगी जी सबसे गरीब व्यक्ति के पास एक रसोई गैस का सिलेंडर तो पहुंचा दिया, एक तो मिला उनको, दूसरा शायद उनका पैसा नहीं है खरीदने के लिए। आज दूसरी बोला कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो जिसके थोड़ा बहुत जमीन है उनका बैंक का खाता में जनधन योजना का 6000 रुपये आ गया। तो ये सारे दोनों अगर विषय अगर देखेंगे, जात और साथ साथ विकास, आज उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगह में, पूर्व जगह में, अवध इलाका में, बुंदेलखंड में, इसका क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ने का क्या संभावना आप देख रहे हैं? जी, जब हम चुनाव की विश्लेषण करते हैं तो हमें प्रोग्राम्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और आपने जो उज्ज्वला वाला प्रोग्राम का जिक्र किया है, जरूर लोग काफी खुश थे, ये 2019 और 2017 में भी लोग खुश थे कि हमें भाई छुटकारा मिल गया है कोयला और जो हमारे फेफड़ों में हानि पहुंचाता था उससे तो हमें कम से कम वो मिल गया है, और जो टॉयलेट्स बनाए थे गांव में, कच्चे टॉयलेट्स, कई सारे टॉयलेट्स को मैंने खुद देखा, लाइट नहीं थे, और लोग कहते थे अपना मोबाइल के लाइट से वो अगर रात को उनको टॉयलेट जाना पड़ा तो अपने मोबाइल के लाइट का से सहारा लेके जाते थे टॉयलेट में। फिर भी लोग खुश थे कि खासकर आप ये अमेठी और रायबरेली में देखने को मिला मुझे गांव में, कि भाई ये गांधी परिवार के लोग इतने सालों से यहाँ राज कर रहे हैं लेकिन ये सोचा नहीं कभी कि एक टॉयलेट बना दे, तो वो टॉयलेट का भी असर हुआ है, उज्ज्वला का भी असर हुआ है,
कुछ जगहों में ग्रामीण योजना का भी असर हुआ है, और पीएम किसान जो किसानों को कुछ आमदनी मिल रही थी 3-4 किस्सों में, उसका भी असर हुआ है। हाँ, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ प्रोग्राम्स भी चल रहे थे। अब हमें देखना पड़ेगा 5-10 साल के बीच में इसका क्या असर हुआ है। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, तो उज्ज्वला का जो असर था वो शायद मुझे लगता है कैंसिल हो गया है। जगह जगह से रिपोर्ट आई है, अभी तक मैंने ट्रैवल शुरू नहीं किया, लेकिन जब ट्रैवल करूंगी तो पता लगेगा कि जो टॉयलेट जो बनाए थे वो सब ध्वस्त हो गए हैं, खासकर गांव में उन पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, बल्कि वो एकदम वो हो गए हैं, बिखर गए हैं टॉयलेट्स जो है। जहां तक पीएम किसान का सवाल है, या जो आप अभी जो कहा है कि गन्ने किसानों को 25 रुपया का जो मूल्य ज्यादा पड़ा है, वो कह रहे हैं कि जो डीजल का दाम बढ़ गया है, बिजली का तारीफ बढ़ गया है, तो हमें जो भी आमदनी में थोड़ा बहुत जो इंक्रीज हुआ है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कहाँ ये हमें गौर करना पड़ेगा कि ये वेरियस प्रोग्राम्स जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का, इसका क्या 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 असर हो रहा है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ, ये भी इसका भी विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है राधिका जी कि हम जब देख रहे हैं कि अलग अलग मुद्दा किस तरह से ये चुनाव के नतीजा के ऊपर इनका क्या प्रभाव, आप जानते हैं 2007 में, 2012 में, 2017 में हमारे दिल्ली में बैठ के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे इस बार एकदम कांटे का टक्कर, क्लोज कॉन्टेस्ट, बहुत जबरदस्त झगड़ा होगा। चुनाव का नतीजा जब आया देखा कि एक तरफा हुआ पूरा। तो अब सवाल है कि बहुत लोग कह रहे हैं इस बार भी यूं ही होने वाले वाले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो सकता है, एक संभावना है, मगर उत्तर प्रदेश का बाकी जितने सारे हिस्से हैं वहां पे देखिए, एक है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ नहीं है। क्यों नहीं है इस विषय के ऊपर और भी हम चर्चा कर सकते हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि आपका जैसे AIMIM असदुद्दीन ओवैसी, वो ऐसा बोला कि हम 100 विधानसभा आसन में हमारे उम्मीदवार भी खड़े हो जाएंगे, होगा कि नहीं समय बताएंगे। सपा देर करके अपना चुनाव प्रचार शुरू किया, तो कांग्रेस कहाँ है आपको मालूम है, हमें भी मालूम नहीं है, आपको भी शायद मालूम है कहाँ पे पहुंच गए कांग्रेस, कांग्रेस का क्या स्थिति है। तो पिछले बार 2017 का जो वोट शेयर है 30% मिला, 29% मिला, इस बार उसमें एक परिवर्तन आने वाले हैं और इसके सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये कुछ लोगों का कहना है, आपका क्या राय है? जी, ऑपोजिशन तो बिखरी हुई है, इसके बारे में दो राय है नहीं। तो ये चौतरफा कॉन्टेस्ट होगा जो भी है, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ेगी, समाजवादी पार्टी और RLD इकट्ठा लड़ेगी, और उनका प्रयास है कि और भी छोटे छोटे पार्टीज जो हैं, जो जातिवाद के तौर पे स्थापित हुए हैं, उनको अपने छत्र छाया में लिया जाएगा। रही बात कांग्रेस का, जो आपने सही कहा कि कांग्रेस का अन्य कोई बहुत महत्व तो है दिखाई नहीं दे रहा है, पर जो मेन पोल है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी है, और पश्चिमी यूपी में अगर कुछ सीट खोएगी, और अवध, मध्य यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में अपना जो स्थान है वो कायम रखेगी, तो यही होगा कि ये भाजपा ही वापस आएगी, कुछ सीट जरूर खोएगी, 50-70-100 भी मानिए, फिर भी उनको मेजोरिटी, मगर वो शायद वो 300 के ऊपर नहीं जाएगा, मगर 200-250 के बीच कहीं मेजोरिटी मिल ही जाएगा ना उनको, यही पॉइंट यही है कि मेजोरिटी मिल जाएगा। ये होने वाला है कि नहीं ये हमें देखना पड़ेगा, क्या जो वातावरण पश्चिमी यूपी में बन रहा है वो हवा क्या सेंटर मध्यम अवध में पहुंचेगा, वो हवा क्या पूर्वांचल तक जाएगा, वो हवा क्या बुंदेलखंड तक जाएगा, क्योंकि यूपी जो है
जब वोट करती है तो अलग अलग क्षेत्र में नहीं वोट करती है, एक ही पैटर्न इमर्ज होता है यूपी में, जिसके कारण एक तरफा हुआ है चुनाव का नतीजा 2007 से। 2007 में मायावती जी की का विजय हुआ, उसके बाद 2012 में सपा अखिलेश यादव का हुआ, उसके बाद भाजपा का हुआ 2017 में। तो ये हमें देखना होगा कि ये जो वातावरण बना है यहाँ पे पश्चिमी यूपी में, क्या वो बरकरार रहता है क्या। अच्छा। तो ये रही बात कि ये जो किसान आंदोलन है ये इसको लीड कर रहा है, कर रहे हैं जाट। ओके, नाउ जाट और अन्य समुदायों के बीच में रिश्ता कभी मधुर नहीं रहा, तो हो सकता है कि जाट समुदाय बीजेपी को नकारेगी इस बार, पर ये जो छोटे किसान हैं जिनके ऊपर मोदी जी ने इतना एम्फेसिस किया, वो शायद रिएक्शन में भाजपा को ही वोट करेंगे, तो ये भी बात हो सकती है। तो हमें ये देखना, ये गौर करने की बात है कि पश्चिमी यूपी में भी डिवीजन हो सकता है वोट का, जबरदस्त डिवीजन वोट का हो। और इसका फायदा किसका मिलेगा, किस कौन मिलेगा, ये समय बताएंगे कि सचमुच अगर आपका जो पूरा जो राजनीतिक जो 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 स्थिति है, जो बाइपोलर और मल्टीपोलर ध्रुवीकरण किस तरह से होगा या नहीं होगा, ये समय बताएंगे। मेरा दो तीन सवाल है, आप संक्षिप्त में जवाब दीजिए। ये महामारी, कोविड का महामारी का क्या असर पड़ेगा वहां का राजनीति के, शहर के लोग के लिए? आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, आपका अस्पताल में बेड नहीं है, ये मध्य वर्ग के लोग के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। गंगा में शव बह रहे हैं, आप जानते हैं वो जो दैनिक भास्कर में कितना लेख आए हैं, कितने तस्वीर आए हैं, मगर ये कोविड महामारी के बाद इसके कुछ असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश का राजनीति और विधानसभा चुनाव के ऊपर, आपका क्या लग रहा है? जी, लोगों के बीच में तो बहुत बहुत आक्रोश था जब महामारी हुआ था अप्रैल मई और जून के महीनों में, और यूपी पे बहुत ही बुरा असर हुआ। जो देख रहे हैं कि लाशें जो नदियों में बह रही थी, ऑक्सीजन की मारामारी थी, कई लोग अपना जान खो दिए ऑक्सीजन के ना मिलने की वजह से, और ये शहर में भी और गांव में, तो गांव की हालत तो बहुत ही बुरा रहा, वहां तक तो सुविधाएं पहुंची नहीं। अब लेकिन हमें दो प्रकार के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें याद रहेगा जब हम वोट करने जाएंगे कि वहाँ उस समय क्या हुआ था और सरकार की कितनी लापरवाही हुई थी, लोग ये कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो भाई हमारे इसमें लिखा हुआ है, फेट, डेस्टिनी, नसीब में, हमारा नसीब में, बिल्कुल हमारे इस पे लकीर, तो फेट है, डेस्टिनी है, इससे कौन लड़ सकता है। योगी जी ने अपने जितना हुआ उन्होंने किया, और इससे ज्यादा क्या कर सकते थे। तो इसे दो प्रकार के रिपोर्ट आ रहे हैं, तो हमें बल्कि अब लोग जो कह रहे हैं कि दूसरी बात जो कह रहे हैं कि ये फेट है, डेस्टिनी है, वो कह रहे हैं कि लेकिन ये जो प्राइस राइज है, डीजल के दाम जो बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी, महंगाई की मार हमें जरूर बहुत बुरी तरह मार रही है महंगाई, तो हम वोट करने के समय महंगाई पे ही वोट करेंगे, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। तो हमें देखना होगा कि कौन सा मुद्दा किस पे हावी होता है चुनाव आते आते। लेकिन मेरा जो अभी तक अनुमान है, ये जो पेंडेमिक हुआ है, ये इसका बहुत 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 असर तो नहीं दिखाई दे रहा है राजनीति पे अभी तक। चलिए, समय बताएंगे आप जो कह रहे हैं होगा कि नहीं होगा। मेरा आखिरी सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल, वो 90 के दशक में 99 और उस समय जो 90 का दशक जब खत्म हो रहे थे और नया 2000 के बाद जो वहाँ का भारतीय जनता पार्टी, राम मंदिर का जो आंदोलन हुए थे, अब तो राम मंदिर बन रहा है, तो उसके आज वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आपको याद होगा कि सितंबर 1997 से मार्च 2002 में भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री थे,
कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता जी और राजनाथ सिंह जी। अब तो कहानी और कुछ है। 2017 तक भारतीय जनता पार्टी का एक ही नेता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब योगी आदित्यनाथ, साढ़े चार साल, पांच साल होने वाले हैं, एक नया तरीका से एक नया नेता भारतीय जनता पार्टी का है और उत्तर प्रदेश में। और आप जानते हैं किस तरह से सांप्रदायिक जो शक्ति है, किस तरह से योगी जी किस तरह सा राजनेता है, ये आप जानते हैं हम सबसे अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ, हम तो बहुत कुछ कहानी सुनते हैं, लोग बहुत कुछ कहते हैं, मगर सचमुच क्या भारतीय जनता पार्टी 2017 में नोटबंदी के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग जिस तरह से चुनाव में वोट दिया था 2017 फरवरी मार्च में, पांच साल के बाद माहौल कैसे बदल गया, राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी कैसे बदल गया, क्या का आप इस विषय के ऊपर थोड़ा बहुत विश्लेषण कीजिए। ये मेरा आखिरी सवाल। ये जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, ये इसमें तो ये दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं है कि ये अभी योगी आदित्यनाथ जी की दल बन गई है पूरी 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 तरह। जो आप अगर आम भाजपा के लोगों से बात करें, उनके क्षेत्रीय लीडर्स से बात करें, तो वो दुखी हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पार्टी और सरकार के बीच में जो तालमेल रहना चाहिए वो नहीं है। सरकार ऑफिसर्स, सरकार भारी पड़ रही है दल पे, एक तो वो ये बात कह रहे हैं। और तो इसके तो ये तालमेल ना होने के कारण क्या कुछ नुकसान होगा भाजपा को? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि जो योगी जी की जो पर्सनालिटी है वो इस वक्त यूपी के भाजपा के जो समर्थक हैं और जो मार्जिन्स में हैं, जो समर्थक मार्जिन्स में होंगे, उन पे बहुत भारी पड़ रहा है। अभी जो है वो भाजपा पहले सुनील बंसल जी जो है जनरल सेक्रेटरी, उनका काफी से होता था। आजकल आप उनका नाम बहुत सुनते नहीं होंगे। पहले अमित शाह जी बहुत भारी पड़ते थे भाजपा उत्तर प्रदेश में, और संगठन के रूप में उन्होंने बहुत मेहनत भी किया, काम भी किया। लेकिन आज की जो भाजपा है वो योगी आदित्यनाथ की भाजपा बन गई है। तो ये जो आने वाले चुनाव है ये योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व का एक तरह से परीक्षा देने वाली है। क्या वो वाकई इतने भारी नेता हैं, इतने दबंग नेता हैं? क्योंकि अगर आप आम यूपी वालों से बात करें और पूछें योगी आदित्यनाथ के बारे में, तो वो यही कहेंगे, हिंदुओं की बात कर रही हूँ मैं, कि हाँ बड़े दबंग नेता हैं, अरे वो क्रिमिनल एलिमेंट को उन्होंने साफ कर दिया है, और इस दिशा पे बात होती है। क्योंकि आपने पैंडेमिक का भी जिक्र किया है, हम भी पूछते हैं कि लेकिन ये जो महामारी हुई उसका क्या होगा? अरे नहीं नहीं, पर ये जो कम से कम इन्होंने क्रिमिनल्स, अपराधी हैं, उनको तो खत्म कर दिया है। और जो विरोधी दल है वो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है अत्यंत खराब हो गया। ये तो मैं चल रहे हैं, और हाथरस का जो बलात्कार का जो घटना हुई थी, हाँ उनके बात में भी कुछ सच्चाई है। अभी हाल ही में आपने देखा गोरखपुर में क्या हुआ, वो मनीष गुप्ता जो बिजनेसमैन है, उनको आके पुलिस ने किस तरह उनका कत्ल किया, कत्ल ही तो हुआ है। और एक तरह से वो सरकार को हिला दिया है, योगी जी को जाके उनके पत्नी से मिलके उनको जॉब ऑफर वगैरह सब करना पड़ा। क्योंकि ये जो है मनीष गुप्ता जी जो है वो आरएसएस, वो बीजेपी परिवार से आते हैं और ऐसे समुदाय से आते हैं जो बीजेपी की मूल वोट बैंक है। तो उसको वो तो हिल गई है। एज लॉन्ग एज आप जब तक मुसलमानों की पिटाई करते हैं, लिंचिंग करते हैं, तब तो ठीक है, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ जो मनीष गुप्ता को मारा है तो उसका तो असर जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा भाजपा के सपोर्ट बेस पे। तो राधिका जी, बहुत सारे विषय हैं, उत्तर प्रदेश का राजनीति समझने में आसान काम नहीं है, भविष्यवाणी करना तो बहुत ही खतरनाक काम है। फिर भी अभी चुनाव आने वाले हैं, साढ़े चार महीना, पांच महीना बाकी है। मैं दोबारा आपसे
उत्तर प्रदेश का राजनीति के ऊपर हम सवाल उठाएंगे। मेरा उम्मीद है कि आप न्यूज़क्लिक का दर्शक को भी समय, आपका कीमती समय देंगे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप जब आप सुन रहे थे राधिका रामाशेषन जी, वरिष्ठ पत्रकार जो उत्तर प्रदेश का राजनीति का विश्लेषण कर रहे थे, और आप सबको, आप लोग जो देख रहे थे, सुन रहे थे, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सब देखते रहिए न्यूज़।